खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं। आज विश्व बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे है और भारत के लिए अच्छी और गर्व की खबर है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3,900 बाघ ही बचे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि भारत पर्यावरण को बचाने में हमेशा से आगे रहा है, क्योंकि जंगलों और जानवरों को बचाना भारत के संस्कारों में शामिल है। आज विश्व बाघ दिवस पर भारत गर्व के साथ पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि पूरी दुनिया के 70% बाघ हिंदुस्तान में हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा देखकर आपको भी यकीनन अच्छा महसूस हो रहा होगा कि पूरी दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। दुनिया में करीब 4,200 बाघ हैं और 2018 के टाइगर सेंसस के मुताबिक भारत में 2,967 बाघ हैं। देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। देश में 12 साल में 2 गुना हुई बाघों की संख्या। भारत में 6 साल में 560 बाघों की मौत। दुनिया भर में बाघों को बचाने के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी भारत को मिली है। यही वजह है कि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों को बचाने के लिए शिखर सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 2022 तक बाघों की संख्या 2 गुनी करने का प्रण लिया गया था। भारत ने यकीनन अपने संकल्प को निभाकर दिखाया है। बियर ग्रिल्स के साथ जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, वही दरअसल देश की भावना भी है। भारत के संस्कारों में मारना नहीं है। अभी बाघों की जिंदा प्रजातियों में साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और सुमात्रन टाइगर है, जबकि बाली टाइगर, कैंपियंस टाइगर और जावा टाइगर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसा ही किस्सा बियर ग्रिल्स के साथ साझा किया था। बाघों के संरक्षण के लिए भारत कितना गंभीर है, उसकी एक झलक हाल ही में बने वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिलती है। भारत में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऑल इंडिया टाइगर एंटीमेशन की ओर से बाघों पर किया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। ये सर्वे 121,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। इसमें 26,760 जगहों पर अलग अलग लोकेशन पर कैमरे लगाए गए। इनसे वन्य जीवों के 3.5 करोड़ से ज्यादा फोटो लिए गए। इनमें से 76,651 फोटो बाघ के और 51,777 फोटो तेंदुओं के हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा 1,492 बाघ 3 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में हैं। सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि भारत के पास 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज्यादा शेर हैं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।